चैप्टर वन देख रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड की बात को आगे बढ़ाएंगे। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। अब एक बात समझिए, आपके पास एक बॉल है, इसको आप एक फ्लोर पे रोल कर देते हैं। कौन कौन से फोर्स इसमें अप्लाई आपने किए, या इसके बाद जब आपने इसको रोल कर दिया तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ये बॉल कुछ समय पे जाके आगे जाके ये रुक जाएगी। कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, किस डायरेक्शन में कर रहा है, हम इसको उठाना चाहते हैं, हमको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। आप देखें कि आपको कोई अगर धक्का देता है, कुछ पुश करता है या आपको अपनी तरफ खींचता है, तो आपको वो एक्सपीरियंस होता है। तो बहुत सारी चीज है डे टू डे लाइफ में, हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो स्कोप क्या है, स्कोप साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या है इस फोर्स का, क्योंकि फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आइजैक न्यूटन साहब थे, ये पहले फिजिसिस्ट ऐसे थे जिन्होंने बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट बताया फोर्स का, और उन्होंने कहा, और उन्होंने ऐसे नहीं कह दिया, उन्होंने बाकायदा लॉज दिए जो मोशन के आज भी हम यूज करते हैं ताकि हम चीजों को समझें और प्रॉब्लम सॉल्व करें। उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में भी हमको आगाह किया, हमको इंटीमेट किया, और आज हम उनकी जो ये चर्चाएं हैं, जो लॉज हैं, और जो हमने दिया उससे अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो जो मैक्रोस्कोपिक डोमेन है, माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोप से जो देखे जा सकते हैं, बहुत छोटे होते हैं, मैक्रो मतलब बड़े होते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और भी बहुत सारे फोर्सेज होते हैं, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स। आप चल कैसे पाते हैं, चलते आप फ्रिक्शनल फोर्स के कारण है। एक कंप्रेस स्प्रिंग है, एक उसमें क्या फोर्स है, उस पर टेंशन क्या हो रही है, कभी आप कुछ चीज खींचते हैं उसमें क्या हो रहा है, सरफेस टेंशन क्या होता है, जो फ्री सरफेस है लिक्विड में उसको उस पर क्या टेंशन लग रहा है, जो फ्लूड मीडियम है, जो गीली चीजें होती है, फ्लूड टाइप में होती है, उसमें विस्कस फोर्स क्या लग रहा है। तो इसके अलावा जो फोर्स जनरेट हो रहा है जब इलेक्ट्रिकली चार्ज और मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देते हैं, या उनके आपस में कुछ कॉम्बिनेशन हो, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेज, न्यूक्लियर फोर्सेज, इंटर एटॉमिक और इंटर एटॉमिक फोर्सेज, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप माइक्रोस्कोपिक डोमेन में देखेंगे, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो हम ये जानते हैं कि चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर में। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक यूनिवर्सल फोर्स है, और हर एक ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है वो यूनिवर्स में जो इसको एक्सपीरियंस करता है ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो न्यूटन साहब ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, उन्होंने कहा कि जो म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी कि जो एफ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मास दो ऑब्जेक्ट या मल्टीपल ऑब्जेक्ट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच में जो डिस्टेंस है। मतलब दो ऑब्जेक्ट रखे हैं, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, उनके बीच की दूरी r है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फोर्स है म्यूचुअल अट्रैक्शन का दो ऑब्जेक्ट के बीच में उनके मासेस के कारण, और ये लॉन्ग रेंज फोर्स भी है, इसके बीच में कोई मीडियम आपको उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर हम फंडामेंटल फोर्स से इसको कंपेयर करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये वीकेस्ट फोर्स है, इससे वीकेस्ट फोर्स नहीं है। लेकिन जितने भी फिजिकल फिनोमेना आप आसपास देख रहे हैं यूनिवर्स में, वो सारे के सारे आपके इसी पे बेस्ड है। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आप खड़े हो सकते हैं जमीन पे। एक बॉल जो आप ऊपर की तरफ उछालते हैं वो आपके पास दोबारा आ जाती है। जो टाइड्स है, आपने लो टाइड हाई टाइड सुना होगा, जो खासतौर पर जो सी के आसपास लोग रहते हैं, समुद्र के, ये जो टाइड्स है ये कैसे आ रही है? इसको बिलीव किया जाता है कि जो पृथ्वी और मून चंद्रमा के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण आती है, अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशन है उसके कारण आती है। तो जो इफेक्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स का, इसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, और खास तौर पे जो सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड हम या तो मैन मेड है या फिर आपके नेचुरल सैटेलाइट है, या मोशन है प्लैनेट का सन के अराउंड, या यूनिवर्स का फॉर्मेशन है स्टार्स का या गैलेक्सीज का, इन सब में ग्रेविटेशनल फोर्स का बहुत बड़ा उपयोग है या इसका रोल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की बात करें तो जो फोर्स दो चार्ज पार्टिकल के बीच में काम कर रहा है, ये चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जो चार्ज पार्टिकल जब ये रेस्ट पे होते हैं तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे हम कहते हैं
स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जो मैग्नीट्यूड है इस फोर्स का, इनके बीच में भी फोर्स लग रहा है, वो कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, इनवर्स फोर्स लॉ। तो जो फोर्स है इन दोनों इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट उन दोनों के चार्ज के, क्यू वन क्यू टू चार्ज मान लें, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके डिस्टेंस के, इनवर्स अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन है इनके बीच में जो दूरी है। अगर लाइक चार्जेस है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे को दूर करेंगे, लेकिन अगर चार्जेस प्लस इस तरीके से है यानी कि अनलाइक है, तो ये आपस में एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। जब चार्ज मोशन में है तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करने लगते हैं, और जब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या पैदा करती है, ये एक फोर्स पैदा करती है इस मूविंग चार्ज में। जो इंटेंसिटी है, जो पावर है मैग्नेटिक फील्ड की, ये चेंज होती है, क्यों, क्योंकि मोशन हो रहा है चार्ज पार्टिकल में। तो जो कंबाइन इफेक्ट है इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, ये इनसेपरेबल है, इसको आप दूर नहीं कर सकते। तो जो कंबाइंड इफेक्ट है इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ईएमएफ कहते हैं इसको, ये इनके बीच में जो मीडियम है उस पे भी डिपेंड करता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग दूरी का फोर्स है, और इसमें भी कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डिपेंड तो कर रहा है इसमें मीडियम जो आज के बीच में आ रही है, लेकिन एक और चीज़ है कि लॉन्ग इसमें मीडियम इसको चाहिए नहीं है, तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, इज वेरी स्ट्रांग। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत स्ट्रांग है। अगर दो ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो वो 10^36 10^36 टाइम्स होता है आपके ग्रेविटेशनल फोर्स की, किसी भी डिस्टेंस पे ले लें तो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो इफेक्ट है, आप देखें लाइटनिंग जब होती है, जब बिजली कड़कती है, इलेक्ट्रिक बेल जब रिंग होती है, यहाँ पर आप देख पाते हैं कि हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपको दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियर फोर्स, हम जानते हैं कि न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। प्रोटॉन आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। अगर हम कूलम लॉ के तौर पे चले तो जो रिपल्सिव फोर्सेस है ये क्या करेंगे, एक चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, प्रोटॉन अगर आप प्रोटॉन कह रहे हैं कि प्रोटॉन इसके अंदर है तो प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों आपस में रिपेल करेंगे, इसका मतलब ये न्यूक्लियस को एकदम अनस्टेबल होना चाहिए। ये बताता है कि न्यूक्लियस के अंदर कोई ना कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है जो इन प्रोटॉन को बांध के रखा हुआ है, इन प्रोटॉन को उन्होंने बांध, प्रोटॉन और साथ में न्यूट्रॉन को भी बांध करके रखा हुआ है, अदरवाइज तो अनस्टेबल हो जाएगा चीज। तो जो चार्ज है या ये कहिए चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है जो प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग रहा है, फिर से समझिए, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो ये एक प्रोटॉन नहीं है बहुत सारे प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन नहीं है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बहुत सारे हैं, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन 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 के बीच में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में कुछ ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं, राइट। तो इसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि अभी भी ये स्टेबल है। ये फोर्स जो है 100 गुना स्ट्रॉन्गर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10^36 10^36 टाइम स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स के। और ये फोर्स कहाँ है, ये तो न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूक्लियस कितना छोटा है, 10^-15 मीटर इसका रेडियस है। ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और कोई फोर्स नहीं है, ये फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स आपका न्यूक्लियर फोर्स है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसको आप एक मान सकते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल क्वार्क से बना है, क्वार्क से बना हुआ है। आज जो रिसर्च चल रही है तो हम इसको क्वार्क क्वार्क फोर्स पढ़ते हैं। आज से अगर 15 साल पहले आप यही किताब या यही डिस्कशन लेते तो ये क्वार्क शब्द का नाम नहीं था। तो इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर होता है तो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स उनके जो न्यूक्लियर फोर्सेस है, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है वो उस पर काम नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन पे, इसीलिए इलेक्ट्रॉन आप देखते हैं कि अलग अलग लेवल पे बाहर चले जाते हैं या वापिस आ जाते हैं। एक वीक न्यूक्लियर फोर्स है,
इन वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ काम करता है? ये कुछ ऐसे न्यूक्लियर प्रोसेस है जैसे बीटा डीके, जो बीटा डीके होता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का। तो बीटा डीके में क्या होता है, बी डीके कहते हैं इसको, जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन एमिट करता है और एक चार्जलेस पार्टिकल एमिट करता है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिनो। तो क्या क्या एमिट कर रहा है ये बीटा डीके में, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो जो चार्जलेस पार्टिकल है उसको ये एमिट कर रहा है। अब जो न्यूक्लियर फोर्स है वो वीक है, ये कहाँ से आता है, क्योंकि जो न्यूट्रिनो के बीच में इंट्रैक्शन है किसके साथ, बाकी पार्टिकल के साथ। ग्रेविटेशनल फोर्स से तो ये स्ट्रांग है, लेकिन स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स से ये कम है, इसलिए इसको वीक न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी कम है, राइट। तो रेंज जो वीक न्यूक्लियर फोर्स की है वो 10^-15 है। अब यूनिफिकेशन की बात करते हैं। जो फंडामेंटल फोर्सेस है नेचर में जो अभी हमने देखे, उनका रेंज, उनका रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये हम अभी एक टेबल में इसको मैं समराइज करता हूँ। बहुत सालों से फिजिसिस्ट इस काम में लगे हैं या इस सोच में लगे हैं, क्या ये सारे फंडामेंटल फोर्सेस क्या एक सिंगल फोर्स से आ रहे हैं? अब इसको समझिएगा, क्या ये सारे फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो एक सिंगल फोर्स की हाइपोथेसिस से डिफाइन हो सकते हैं? ये सब आपके लिए भी खुला हुआ है, इस पे भी आप थोड़ा सा तलींदा से सोचेगा। तो जैसे मैंने अभी थ्योरी में भी बताया, फंडामेंटल फोर्सेस जो नेचर के हैं उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ इनसे ले लिया जाए तो 10^-38 है और इनफाइनाइट है, बहुत बहुत दूरी पर यह फोर्स चलता है। जितने भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में ये जो इस फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो 10^-13 रिलेटिव स्ट्रेंथ है इनसे कंपेयर किया जाएगा। वेरी बहुत शॉर्ट है, न्यूक्लियस के अंदर काम करता है 10^-15 और एलिमेंट्री पार्टिकल न्यूट्रिनो है इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो 10^-2 इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे काम करता है और ये काम करता है चार्ज पार्टिकल्स के बीच में। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स जैसे मैंने बताया सबसे स्ट्रांग फोर्स होता है, तो अगर इसका 1 है तो बाकी सबका इतना है, इसलिए इसको रिलेटिव स्ट्रेंथ कहते हैं, इसको 1 दिया गया है। बहुत शॉर्ट डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस बराबर है क्योंकि न्यूक्लियस या एक एटम के अंदर काम कर रहे हैं। और ये काम किस पे करता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे, न्यूक्लियॉन्स पे, इन दोनों को मिला दें तो न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो न्यूटन साहब ने, इन्होंने जो टेरेस्ट्रियल है और सेलेस्टियल डोमेन है, जो जमीन पे है और जो जमीन से अलग है, उन सबको एक कॉमन लॉ जिसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं उसके अंदर ले आए। ऑर्स्टेड और फैराडे साहब ने ये बताया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना क्या होता है और ये इनसेपरेबल है। मैक्सवेल साहब ने क्या यूनिफाई किया, उन्होंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, उन्होंने कहा कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उन्होंने इन दोनों को यूनिफाई कर दिया। आइंस्टीन साहब ने क्या यूनिफाई किया, उन्होंने यूनिवर्स जो यूनिवर्सल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, उनको यूनिफाई किया। लेकिन कोशिश कर की लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए, लेकिन आज भी इस पे काम चल रहा है। ग्लैशो साहब, सलाम साहब और विनबर्ड, इन्होंने बताया कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसको हम अलग अलग एस्पेक्ट से देख सकते हैं, अलग अलग व्यू से देख सकते हैं, इनको एक नाम दे सकते हैं, इलेक्ट्रो वीक फोर्स। तो जो एफर्ट हुए यूनिफिकेशन के इन फंडामेंटल फोर्सेस के, वो आज भी जारी है, आज भी इस पे जो फिजिसिस्ट है वो काम कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा इसको टेबलर फॉर्म में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या प्रोग्रेस हुआ, जो लैंडमार्क साबित हुए। आइजैक न्यूटन साहब ने 1687 में 1687 में उन्होंने सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स को यूनिफाई किया। उन्होंने ये बताया कि एक ही लॉ और जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये दोनों ही डोमेन में लगा सकते हैं। ऑर्स्टेड साहब और फैराडे साहब 1820 और 1830 में इन्होंने कहा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना ये इनसेपरेबल है, इन्होंने कहा ये दोनों मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें। मैक्सवेल साहब ने, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल साहब 1873 यानी कि 1873 में उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स को यूनिफाई किया और उन्होंने बताया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फिर ग्लैशो साहब, सलाम साहब और विनबर्ग साहब ने 1979 में उन्होंने कहा कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, जो इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक फोर्स, इसको हम डिफरेंट एस्पेक्ट से बोल सकते हैं कि ये एक सिंगल इलेक्ट्रो वीक फोर्स है। रूबिया
कार्लो रूबिया और वैंडर मीर साहब ने 1984 में इन्होंने बाकायदा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया इलेक्ट्रो वीक फोर्स का, जो कि इन्होंने इन साहब लोगों ने बताया था। नेचर, प्रकृति और फिजिक्स लॉ। तो किसी भी फिजिकल फिनोमेना की बात करें, अलग अलग डिफरेंट फोर्स इसमें लग रहे हैं, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज इसमें चेंज हो रही है, लेकिन कई फिजिकल क्वांटिटीज इसमें कांस्टेंट रहती है। जो फिजिकल क्वांटिटी जो चेंज अनचेंज रहती है उनको हम कहते हैं कंजर्व्ड क्वांटिटीज, या इसको हम दूसरे शब्दों में कहें कि कुछ क्वांटिटी, कुछ फिजिकल क्वांटिटी का कंजर्वेशन। इसका मतलब ये है कि जो क्वांटिटी है ये समय के साथ चेंज नहीं हो रही, इसलिए हम इसको कंजर्व क्वांटिटी कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या चार्ज, या लीनियर मोमेंटम, या एंगुलर मोमेंटम, ये सारे के सारे फंडामेंटल लॉ है फिजिक्स के, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ ये रोल प्ले करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, और बेसिक रोल ये फिजिक्स में अपना निभाते हैं। क्या है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? का मतलब ये है कि जो टोटल एनर्जी है यूनिवर्स की वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी को आप ना क्रिएट कर सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यह मैकेनिकल एनर्जी है, इसको आप मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दीजिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप इसमें चेंज कर दीजिए मैकेनिक MGH, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में चेंज कर दीजिए। पोटेंशियल और काइनेटिक को दोनों मिला के ही मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी है, किसी कोई भी एक प्रोसेस जब काम कर रहा हो किसी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम में तो एल्जेब्रिक सम चार्ज का हमेशा कांस्टेंट रहता, वो चीज नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम की बात करें तो यदि रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम में जीरो है तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा उस सिस्टम का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कहता है यदि रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क, इस सब के बारे में बात करेंगे, शब्द जो है काफी आने वाले हैं, अभी आप केवल इसको एक इंट्रोडक्शन की तरह समझिए। यदि रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क किसी सिस्टम पे जो काम कर रहा है वह जीरो है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा टोटल वो सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये और चीज़ें हम इसको देखेंगे, आप अपने जो दोस्त हैं वो इसके अलावा, इन लॉ के अलावा, जैसे कंजर्वेशन फॉर स्पिन है, ब्रेयर नंबर है, स्ट्रेंजनेस है, हाइपर चार्ज है, ये सब चीज़ें भी हैं, इसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। और ये नेचर में आप देखिए ये सब चीज़ें हमारे पास हैं और हम कह रहे हैं कि लॉज भी है कंजर्वेशन भी। तो फिजिक्स में जो स्टडीज़ हैं वो स्पेस और टाइम के लेवल पे हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स स्पेस, स्पेस यानी जगह, और टाइम मतलब समय। क्लासिकल मैकेनिक्स में स्पेस और टाइम को अलग अलग समझा जाता है, इनको इंडिपेंडेंट समझा जाता है। लेकिन अगर आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देखें जो आइंस्टीन साहब ने दी थी तो स्पेस और टाइम बिल्कुल रिलेटेड है। स्पेस होमोजीनियस है, आइसोट्रोपिक है, इसके बारे में बात करेंगे, एक जैसा है तो आइसोट्रोपिक। इसके कारण हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। इसी की बात को आगे बढ़ाएं तो हमारे पास अगर टाइम है तो ये होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक है ये भी। अब क्योंकि इसकी होमोजीनिटी है टाइम की तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लेकिन अभी तक फिजिक्स या फिजिक्स के जानने वाले ये जानने में अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आइसोट्रोपिसिटी है, व्हाट विल बी द पॉसिबल रिजल्ट ड्यू टू आइसोट्रोपिसिटी ऑफ टाइम, जो टाइम की आइसोट्रोपिसिटी है उसका पॉसिबल रिजल्ट क्या होगा। तो एक साहब थे डायरेक्ट, बड़े ग्रेट थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे 20वीं शताब्दी के, इनका ओपिनियन ये था कि जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये जरूर आइसोट्रॉपिक नेचर टाइम का एक रिजल्ट हो सकता है। या ये कहे कि हम बेसिक रीजन तो जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम के एग्जिस्टेंस का क्या है, या एंगुलर मोमेंटम का, या एनर्जी के लॉ ऑफ कंजर्वेशन का एग्जिस्टेंस क्या है, लेकिन हम फिर भी एफर्ट लगा रहे हैं ताकि जो इसके अंदर की मिस्ट्री है नेचर की, इन इस खास तौर पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, उसमें क्या है, राइट। तो आपके लिए भी ये एक बहुत बड़ी राह खोलता है, क्या प्रॉब्लम फिजिक्स के हैं, अगर इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दे पाए तो बहुत अच्छा होगा।
समराइज करते हैं, जो शब्द है भौतिक विज्ञान जो हिंदी और गुजराती में हम यूज करते हैं वो रिलेटेड है साइंस फिजिकल वर्ल्ड का, जो संस्कृत वर्ड भौतिकी से आया है। इंग्लिश वर्ड फिजिक्स ये आया है ग्रीक वर्ड नेचर से। जो फिजिक्स है वो किससे डील करती है, जो भी बेसिक लॉ ऑफ नेचर है प्रकृति से जो रिलेटेड है, चाहे वो मैटर से रिलेटेड हो, एनर्जी ऊर्जा से हो, या चीज़ों से, वस्तुओं से हो, या उनके मैनिफेस्टेशन किसी और उनके और इफेक्ट्स किसी और फिनोमेना पे। जो स्कोप है फिजिक्स का वो दो बेसिक डोमेन पे हम बात करते हैं, एक तो माइक्रोस्कोपिक बहुत बड़ा और माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटा, यानी कि बहुत छोटा। स्टैटिक रुके हुए और डायनेमिक सिस्टम्स पे भी जो मूव करते रहते हैं उसमें भी फिजिक्स हम बात करते हैं। जो बेसिक लॉ है फिजिक्स के वो यूनिवर्सल है और ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, कंडीशन में हम लगा सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर की, और जो अटेम्प्ट है इनके यूनिफिकेशन के, इनको जोड़ने के, ये आज भी चल रहे हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती है टाइम के साथ, उन्हें हम कंजर्व्ड क्वांटिटी कहते हैं। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, चार्ज है, लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, ये फंडामेंटल लॉ है फिजिक्स के, जिसके बारे में आज भी डिस्कशन चालू है, रिसर्च चालू है। फिजिकल वर्ल्ड के क्वेश्चन आंसर्स जो खासतौर पे हमारे MCQs टाइप हैं, उनको हम देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, डैश आर टू फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूनिवर्स, कौन से है इसमें, मैटर एंड रेडिएशन। डैश इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, क्या ये प्लाज्मा है, डी। न्यूक्लियस ऑफ मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ विच फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, न्यूक्लियस किस फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट से बनता है, उत्तर इसका है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन राउंड 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 घूमते रहते हैं। व्हाट इज द एक्रोनिम ऑफ ECG, ECG का फुल फॉर्म बता सकते हैं, ये है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NMR, NMR क्या है, ये आपका है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ESR, ESR क्या होगा, ESR है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। द फोर्स एग्जर्टिंग बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन विद इन द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, वह है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। विच पार्टिकल आर एमिटेड ड्यूरिंग बीटा डीके फ्रॉम द न्यूक्लियस, बीटा डीके में क्या निकलता है, एक तो न्यूट्रिनो है ही आपका और साथ में इलेक्ट्रॉन, तो डी है इसका उत्तर। स्पेस आइसोट्रोपिक है, कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन इसका रिजल्ट है, डायरेक्ट साहब की बात आपको याद होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। स्पेस होमोजीनियस है, कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन इससे आता है, स्पेस होमोजीनियस है, इसका उत्तर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। टाइम होमोजीनियस है, कौन सा लॉ इसका रिजल्ट है, उत्तर आता है इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब अगला सवाल है, जो बेसिक रीजन बिहाइंड एग्जिस्टेंस ऑफ विच कंजर्वेशन ऑफ लॉ इज स्टिल नॉट नोन, एक ऐसा कंजर्वेशन लॉ है जिसका अभी तक हमको बेसिक पता नहीं चल पाया, क्यों है ये, उसका उत्तर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये सवाल जवाब है, इसको ट्राई करिए, इन सवाल जवाब का उत्तर मैं दूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की, ऑल द बेस्ट।